नंबर वन गोल्डन डेथ मेंढक। दोस्तों आमतौर पर इस मेंढक को दुनिया का सबसे खतरनाक और जहरीला जीव माना जाता है। यह मेंढक मुख्य रूप से दक्षिणी अमेरिका के जंगलों में रहना पसंद करता है। दोस्तों इस मेंढक की सबसे खतरनाक बात यह है कि जब यह मेंढक किसी दूसरे कीड़े मकौड़ों को खाता है तो वह इसके शरीर में जाकर जहर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण इस मेंढक के 1 ग्राम जहर से लगभग 10,000 चूहे और 15 इंसान एक बार में अपनी जान आसानी से गवा देते हैं। हर साल पूरी दुनिया में इस मेंढक के जहर के कारण लगभग 2 लाख से भी अधिक लोगों की मौत हो जाती है। नंबर 2 स्कल वाइपर। दोस्तों जब सांपों की बात आती है तो स्कल वाइपर को दुनिया का सबसे खतरनाक और जहरीला जीव माना जाता है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार हर साल पूरी दुनिया में लगभग 5 मिलियन से भी अधिक लोगों की मौत सांप के काटने से होती है, जिनमें से लगभग 2 मिलियन से भी अधिक लोगों की मौत इसी सांप के काटने के कारण हो जाती है। दोस्तों इस सांप की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सांप एक ही बार में 2 अलग अलग इंसानों को आसानी से काट सकता है। इन्हीं खतरनाक खूबी के कारण इस सांप को दुनिया का सबसे जहरीला और खतरनाक जीव माना जाता है। नंबर 3 बॉक्स जेलफिश। दोस्तों यह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी समुद्रों में पाई जाती है। इसका सर छोटा और चौकोर होता है, लेकिन इसके शरीर पर बाल जैसे दिखने वाले जहरीले डंक होते हैं जो करीब 6 फीट तक लंबे होते हैं। दोस्तों इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि इसका डंक मनुष्य के शरीर में जाते ही मनुष्य की दिल की गति को रोक देता है, जिसके कारण मनुष्य की मात्र 15 सेकंड के अंदर दर्दनाक मौत हो जाती है। हर साल पूरी दुनिया में लगभग 2 लाख से भी अधिक लोगों की मौत इसके जहरीले डंक के कारण हो जाती है। नंबर 4 टैट्से मक्खियां। दोस्तों आमतौर पर यह मक्खियां दुनिया के सभी देशों में पाई जाती है। दोस्तों यह मक्खियां भले ही दिखने में खतरनाक दिखाई ना दे, लेकिन इसके काटते ही मनुष्य के शरीर में न्यूरोलॉजिकल जहर फैल जाता है, जिससे मनुष्य के शरीर में मौजूद सभी ब्लड की नसें फट जाती है, जिसके कारण मनुष्य की मात्र 25 सेकंड के अंदर दर्दनाक मौत हो जाती है। हर साल पूरी दुनिया में लगभग 2 लाख से भी अधिक लोगों की मौत इसके काटने के कारण हो जाती है। नंबर 5 डायनामाइट डॉग। दोस्तों आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन यह बात मुख्य रूप से सच है। विशेष रूप से रेबीज वायरस से संक्रमित कुत्ते इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। हालांकि टीकों का उपयोग करके रेबीज वायरस के संक्रमण को कम किया जा सकता है, लेकिन WHO की रिपोर्ट के अनुसार हर साल पूरी दुनिया में लगभग 3 लाख से भी अधिक लोगों की मौत रेबीज वायरस से संक्रमित कुत्तों के काटने के कारण हो जाती है।